नमस्कार दोस्तों, बीएसके फार्मेसी दोस्त चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक एलोपैथिक मेडिसिन नेम्ड एज सिप्लॉक्स टीजर। तो आज के इस वीडियो में इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी आप लोगों तक, जैसे कि क्या इसके यूज हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या प्राइस है, क्या डोज है, तो इन सभी टॉपिकों पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ सबसे पहले ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिप्लॉक्स टीजर टेबलेट की, जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिंडाजोल के कंपोजिशन से बना हुआ है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसमें 500 मिलीग्राम में और टिनिंडाजोल 600 मिलीग्राम में, मतलब 500 एमजी में और 600 एमजी में दोनों मिले हुए हैं इस टेबलेट के अंदर। अब बात करते हैं यूज़ की। तो यूज जो है इसके, अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके मसूड़ों में, तो उस इन्फेक्शन को ये ख़त्म करता है। और साथ ही अगर आपके पेट में अगर संक्रमण है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, संक्रमण को ये टेबलेट ख़त्म करती है। और साथ ही अगर यूरिनरी, मतलब पेशाब में दिक्कत है, पेशाब में जलन है, तो इस टाइप की अगर कोई समस्या है आपके, तो यूरिनरी इन्फेक्शन को ये ख़त्म करता है। और साथ ही अगर आपको गोनोरिया की शिकायत है तो उस गोनोरिया बीमारी में भी ये लाभदायक है। और अगर आपके स्किन में कोई समस्या है, जैसे दाने वगैरह निकल रहे हैं या फिर और कोई समस्या है, तो उस स्किन प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म करता है। अगर आपके पेट में, जैसे कि क्या होता है कि संक्रमण की वजह से दस्त आने लगते हैं, तो उस दौरान ये टेबलेट अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके दस्त में आराम मिलेगी, आपके दस्त बंद हो जाएंगे। तो ये सब संक्रमण, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, उन सभी में ये काम करता है। अगर आपको फेफड़ों में अगर समस्या है, सांस लेने में दिक्कत है, अगर फेफड़ों में संक्रमण है, तो उस संक्रमण को भी ये ख़त्म करता है। ये सिप्ला कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और 10 टेबलेट के पैक की कीमत वही रहती है, करीब अगर देखा जाए तो 108 रुपये के आसपास है, शायद 106 रुपये 50 पैसे कीमत है 10 टेबलेट के पैक की, तो सिप्ला कंपनी का है। तो ये तो थे इसके यूज़। अब बात कर लेते हैं कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम केसों में देखने को मिलते हैं। अगर जैसे क्या होता है कि आपके स्किन पर स्वेलिंग आ सकती है, हल्के हल्के दाने निकल सकते हैं अगर ये साइड इफ़ेक्ट दे रही है, तो जीभ पर स्वेलिंग आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो इस टाइप के लक्षण हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट के दौरान। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं डोज की। तो डोज जो है एडल्ट डोज में आपको एक एक टेबलेट सुबह शाम लेनी है एडल्ट के लिए। और जिन लोगों को संक्रमण है, चाहे वो दांतों में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो स्किन में हो, तो अगर संक्रमण है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप इसको सुबह शाम एक एक टेबलेट सुबह शाम ताज़े पानी से इसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप बात कर लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर टेबलेट किस टाइप की निकलती हैं, 10 टेबलेट जो हैं वो किस टाइप की होती हैं। तो इस टाइप का ये ब्लिस्टर जो है 10 टेबलेट का निकलता है। टेबलेट देखने में ऑरेंज कलर की है, हल्की हल्की। तो MRP जो है रहती है वही 106 रुपये 10 टेबलेट की। तो ये टेबलेट हैं बच्चों के लिए। आप जो है, अगर दिक्कत हो रही है, अगर दस्त आ रहे हैं, तो आप दस्त में दे सकते हैं उम्र के हिसाब से। अगर 10 साल का बच्चा है तो आप आधी आधी टेबलेट दे सकते हैं। 10 से अगर 5 से 10 के बीच में है तो आप 3 से 4 खुराकें बना सकते हैं इसकी, तो आप दे सकते हैं। बाद में कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर अमीबी पेंचिस है तो उस पेंचिस में ये बहुत अच्छा काम करती है टेबलेट। ये था हमारा वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।